हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, आज हमारे गार्डन में जीनिया फ्लावर बहुत अच्छी तरह से खिले हुए हैं और इसी को मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। और मैं बताऊंगी कि हमारे गार्डन में ये ऐसा प्लांट है जिसकी कोई भी केयर नहीं होती है और उसके बाद भी ये खिल रहे हैं और भारी तादाद में फूल आए हुए हैं। बिना जतन के ही इनमें फूल आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कोई भी केयर ना करें तब भी वो आपके गार्डन में खिलते रहते हैं। यही मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे गार्डन में ये जीनिया है और मैंने गर्मियों में जीनिया ला कर के लगाए हुए थे दो प्लांट, जिसमें एक ऑरेंज था और एक पिंक, और दोनों ही बहुत अच्छी तरह से हमारे गार्डन में लगे हुए थे। और उसके बाद जहाँ जहाँ उसके बीज गिरे हैं वहाँ वहाँ प्लांट रेडी हुए थे। कुछ मैंने बीज डाले हुए थे उनसे भी बेबी प्लांट रेडी हुए थे और मैंने उनको लगाया था। ये दो प्लांट तो मेरे लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इनको लगाया हुआ था और अभी देख सकते हैं प्लांट बहुत ही पुराना हो गया है। इसकी डालियां सभी बेकार हो गई हैं, पत्ते सारे सूख से गए हैं और इसकी कोई ख़ास केयर नहीं होती। केवल इनमें पानी ही मैं डाल देती हूं और उसके बाद भी ये अपनी ग्रोथ पे हैं और काफ़ी फूल आ रहे हैं। काफ़ी बंच में फ्लावरिंग हुई है। इस एक प्लांट में कम से कम 60-70 फूल होंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से कई प्लांट हमारे गार्डन में अपने आप ही उगे हुए थे और उनमें फ्लावरिंग हो रही थी, मैंने उनको हटाया नहीं था और इसी तरह से वो हमारे गार्डन में बने हुए थे और उनमें फूल आ रहे थे। तो यही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बिना जतन के ही वो आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करेंगे और देखने में गार्डन खूबसूरत लगेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, क्या है और कैसे है और कब इसको लगाना है, तो ये सब इस वीडियो में है। आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं इस जीनिया के बारे में। ये जीनिया मैं मार्केट से नर्सरी से लेकर आई थी और मैंने इसको अपने गार्डन में ऐड किया हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, दो कलर के थे हमारे पास और ये डॉर्फ जीनिया है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं। यदि आप इनको ला करके एक बार अपने गार्डन में ऐड कर देते हैं तो हमेशा ही आपके गार्डन में बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैरीगोल्ड बीजों से रेडी होते हैं उस तरह से ये भी आपके गार्डन में ऐड होते रहते हैं। और आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इनको हमेशा ही अपने गार्डन में रखना चाहते हैं या हटा देना चाहते हैं। तो फूल तो कोई भी हो, जो अच्छे गार्डनर हैं वो हमेशा ही इन फूलों को अपने गार्डन में रखना पसंद करते हैं और मैं तो इनको हमेशा ही रखती हूँ। और कुछ ऐसे लोकल फूल होते हैं जिनको आप एक बार ऐड कर ले तो आपके गार्डन में बने रहते हैं। और जो भी ऐसे प्लांट होते हैं मैं उनको कभी भी नहीं हटाती हूँ, उनके दो चार प्लांट और बीज में जगह जगह डालती रहती हूँ जिससे कि प्लांट रेडी होते हैं और मैं उनको अपने गार्डन में सीज़न में ऐड करती रहती हूँ। इसी तरह से मैं इनके प्लांट लाई थी और एक प्लांट से मैंने देखे कितने प्लांट बनाए थे और साल भर पूरे ये हमारे गार्डन में बने हुए हैं। और जब भी इनके प्लांट सूखने लगते हैं तो मैं इनके सूखे फूलों को कहीं डाल देती हूँ, उससे बीज उनके बीजों से अच्छी तरह से प्लांट रेडी हो जाते हैं और उन प्लांट्स को मैं कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। और कुछ ऐसा भी होता है कि अपने आप ही बीज झड़ते हैं और अपने आप ही प्लांट रेडी होते हैं। जिनको प्लांट्स की अच्छी पहचान है वो पहचान लेते हैं कि किस फ्लावर का प्लांट है तो उसको निकाल करके लगा लेते हैं। इस समय जैसा कि मेरे गार्डन में सनफ्लावर काफ़ी उग रहे हैं और गोमफ्रीना काफ़ी उग रहे हैं, मैरीगोल्ड हैं काफ़ी उग रहे हैं, तो यदि मुझे लगाना है तो मैं उनके प्लांट अभी छोटे हैं उनको निकाल करके लगा सकती हूं और वो हमारे गार्डन में अच्छी तरह से ग्रोथ पे होंगे और उनमें फूल आएंगे। इसी तरह से आप जीनिया को भी इसी तरह से लगा सकते हैं। और कई प्लांट मैंने इसी तरह लगाए हुए थे और सभी एक के बाद एक के बाद एक खिलते रहे और सूखते रहे, मैं उनको हटाती रही। और मैं इसको भी हटाना चाहती हूँ क्योंकि देखिए ये एक पुराने से ग्रो बैग में लगा हुआ है, छोटा सा ग्रो बैग है और इस ग्रो बैग में लगा हुआ है। एक ही प्लांट मैंने इसमें लगाया हुआ था, ब्रांचेस इसकी बहुत ही लैगी हो गई थी, इधर उधर फैल रही थी और पूरे रेनी सीज़न ये हमारे टेरेस पे ही थे। ये समर के फ्लावर हैं लेकिन पूरी बरसात में ये छत पर ही थे और अभी आप देख सकते हैं कितने फूल आए हुए हैं। प्लांट काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी फूल आ रहे हैं, इसलिए से मैं इनको हटा नहीं रही हूँ। प्लांट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मैं इनको हटाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो भी फूल आते हैं वो देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और जब तक ये चल रहे हैं तब तक ये हमारे गार्डन में इसी तरह बने रहेंगे। और कुछ मैं करती नहीं हूँ, केवल इसमें पानी ही देती रहती हूँ। और जब मैंने लगाया था तो इसको एक अच्छी मिट्टी बनाई थी, जिस तरह से मैं अपने और भी प्लांट लगाती हूँ,
जिसमें मिट्टी होती है, रेत होता है, गोबर की खाद मिक्स होती है। इसी तरह से मैं सारे प्लांट अपने लगाती हूँ और सेम मैंने इसको भी इसी तरह लगाया हुआ है। और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और समय समय से मैं इनको पानी वगैरह देती रहती हूँ और प्लांट आपके सामने हैं, फूल कितने खिले हुए हैं। तो इसीलिए से मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि यदि आपके पास भी जीनिया है तो आप उसको कहीं ना कहीं उसके बीजों को डालते रहिए, जिससे कि प्लांट रेडी होंगे और आपके गार्डन में इसी तरह से फूल खिलेंगे। तो बिना जतन के ही ये हमारे गार्डन में खिल रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने गार्डन में जीनिया लगाएंगे और इसी तरह से उनके सुंदर फूलों का आनंद उठाएंगे। तो वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।